जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस पे। मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति दोस्तों, और इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि विश्व की कितने झीलें हैं, कौन एक नंबर पे है ना, कौन दो नंबर पे है, उनका क्रम क्या है, किस किस देश में है, कहाँ सीमा बनता है, कहाँ नहीं है ना। तो इस वीडियो में मैं उस पहले वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा ना डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यानी भारत की प्रमुख झीले यानी कि मेजर लेक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से, यानी कि जेके, यानी कि सबसे उत्तर से, ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं, यानी कि ईस्ट नॉर्थ से। जम्मू कश्मीर में कितने झीलें होती हैं दोस्तों, समझते हैं। सबसे पहले उलर झील, जो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे अधिक मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो उलर झील, ठीक है। दूसरा है डल झील, ठीक है, और एक तो कॉमन बात यह है, बेसिकली हम ये सीख सकते हैं कि जिस नाम के अंत में, ठीक है, नाग नाग आता है, ठीक है, बेसिकली वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, ठीक है। जैसे शेषनाग झील, नगीना झील, ठीक है, या फिर आपका हो जाए बेरी झील, ठीक है, या अनंतनाग झील, वो चीज आपकी बेसिकली कहाँ से बिलोंग करेगी, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा, देखिए उड़ीसा में एकमात्र झील है, वो है चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील को याद करने का एक नॉर्मल आपका ट्रिक है कि जो नेवी होती है ना, नेवी का जो बेसिक ट्रेनिंग होता है, बेसिक ट्रेनिंग जो सेंटर है चिल्का में है, ठीक है, चिल्का झील में ही होती है नेवी की, नौसेना की बेसिक वहां पे ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मणिपुर की, ठीक है। मणिपुर में एकमात्र झील है, वो है लोकटक झील, ठीक है, मणिपुर में लोकटक झील, ठीक है। आगे है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में बात करते हैं तकरीबन तीन झीलें हैं, ठीक है, और वो है इस प्रकार राजसमंदर झील, ठीक है, राजसमंदर झील, और ये है लूनकर नसर, ठीक है, लूनकरन सर झील, ठीक है, लूनकरन सर झील, और उसके बाद अगला है फतेह सागर झील, ठीक है, ये रहे राजस्थान के झील, ठीक है। आगे है उत्तराखंड की झील, ठीक है, उत्तराखंड की झील में बेसिकली क्या है कि जैसे जम्मू कश्मीर के झील में लास्ट के मतलब अंत में क्या था उसके, मतलब कि नागनाग लगा हुआ था, ठीक है, जैसे शेषनाग था, नगीना था, ठीक है, या अनंतनाग था, लेकिन उत्तराखंड में बेसिकली क्या लगा रहेगा, ताल, जैसे देवताल झील हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको बेसिकली वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे देवताल झील है, ठीक है, खुरपा ताल, ठीक है, खुरपा समझ रहे हैं, घास वास काटने वाला, ना ही वो सही है, ठीक है, यहाँ पे ताल के बारे में बात कर रहे हैं, झील के बारे में, तो हो जाएगा खुरपा ताल झील, ठीक है। यह है सात ताल झील, सात ताल झील। अगला है नैनीताल झील, नैनीताल सुने होंगे आप, तो उत्तराखंड में है वो नैनीताल झील, ठीक है। आगे है राकस ताल, ठीक है, राकस, राकस समझ रहे हैं, राकस ताल, ठीक है। आगे है माला ताल, ठीक है, माला ताल, समझ रहे हैं भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग महाराष्ट्र, लोनार खोले, देखिए यहाँ पे लोनार झील है, ठीक है, महाराष्ट्र में एकमात्र झील है वो है लोनार, ठीक है। और आगे है सिक्किम, यानी कि जो उत्तरी पूर्वी हमारा राज्य है सिक्किम, उसमें एकमात्र झील है जो है चुलामु झील। देखिए चुलामु झील की एक क्वालिटी क्या है कि भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित एक झील है, ठीक, एकमात्र झील है। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि भारत में सबसे ऊंचा झील यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, ठीक है, उसमें आपको क्या दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, जैसे चुलामु झील, चिल्का झील, ठीक है, पुलिकट झील, ठीक है, देवनाल, और उसमें दे देगा देवताल झील, उसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा सर, ये आपका चुलामु झील करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कितने झील है, ये कंबाइंड है, चूंकि आधा हिस्सा इसका ये जो पुलिकट झील है, ठीक है, वो आधा हिस्सा जो है तमिलनाडु में है, ठीक है, और आधा जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, वो कैसे मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, बारीकी से चीजों को समझा दूंगा। अगला है केरल, केरल में एक चीज है, एक ही मात्र झील है और वो है वेम्बार, ठीक है, वेम्बार झील, ठीक है। तो ये रहे भारत के कुछ प्रमुख या मुख्य झीलों के लिस्ट, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये रहे भारत की कुछ प्रमुख झीलें, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।